नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। इमरती देवी का कथित वायरल ऑडियो के मामले में सामने आए विधायक सुरेश राजे, इमरती देवी पर लगाए गंभीर आरोप। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। इमरती का ऑडियो वायरल होने पर विधायक ने ली राहत की सांस। अपने वायरल वीडियो के पीछे इमरती देवी और डबरा के अन्य नेताओं की बधाई अपने वायरल वीडियो के पीछे इमरती देवी और डबरा के अन्य नेताओं की बताई साजिश। बातचीत में विधायक सुरेश राजे ने कहा, ऑडियो में स्पष्ट हो गया कि उनके वायरल वीडियो के पीछे इमरती देवी थी। विधायक सुरेश राजे ने कहा कि भगवान इमरती देवी को सद्बुद्धि दे। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने खुद की जान को बताया खतरा। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं कि अभी एक वीडियो आया है, अभी तो कई और वीडियो जारी होना बाकी है। वायरल वीडियो कराकर विधायक की टिकट कटवाने की मिल रही है धमकी। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि इमरती देवी गलत संगति में पड़ गई है। बातचीत में साफ तौर पर इमरती के खिलाफ मुखर दिखाई दिए कांग्रेस विधायक सुरेश राजे। इमरती देवी के वायरल हुए कथित ऑडियो के मामले में क्या बोले विधायक सुरेश राजे? नहीं, देखिए, जिस तरह का षड्यंत्र मेरे खिलाफ पिछले लंबे समय से रचा जा रहा था, और जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो वीडियो वायरल करने वालों को जो उम्मीद थी कि मैं उनके इस घृणित कृत्य से डर के कोई गलत कलम उठा लूँगा, अपना जीवन समाप्त कर लूँगा, इस तरह की उन्हें उम्मीद थी। लेकिन मैं ईश्वरवादी हूँ। आज भोले बाबा का दिन है और मैं पूरे सावन के महीने हर सोमवार, चूँकि मेरी आस्था है उनमें, जो नास्तिक है नहीं मानते हों वो ना माने, लेकिन मेरी आस्था है। आज जब मैं मंदिर गया और जब मैं बाबा को जल चढ़ा रहा था, तब मैंने कहा था, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जिनसे मैं राजनीति में पराजित भी हुआ हूँ, उनका भी अगर बुरा सोचा हो, उनका भी बुरा चाहा हो, तो मेरा ज़रूर बुरा हो जाए, लेकिन भोले बाबा, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे को कम से कम ये मेरे पे जो कलंक लगा है और इस कलंक को लेके मैं लगातार 4 दिन से घूम रहा हूँ, बाबा बस मेरी इतनी अर्जी है कि बस तेरे यहाँ न्याय मिले। ये मैंने आज दुआ मांगी थी और मुझे लगता है कि भोले बाबा ने मेरी सुन ली। बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखिए, जब मुझसे अब मेरा इसमें ये कहना है कि जो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, जो मेरी पार्टी में भी जयचंद बनकर बैठे हैं, जिन्होंने जब मैं 20 में चुनाव टिकट मांग रहा था तब भी इस तरह के मेरे खिलाफ़ दुष्प्रचार किए थे और अभी भी वो इस प्रचार में लगे थे कि एक बार सुरेश राजे का टिकट कटना चाहिए, क्योंकि इसको हरा तो सकते नहीं हम सब मिलकर भी, मेरे खिलाफ़ जो प्रतिद्वंदी हैं, जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो, और मेरे जयचंद मिलकर भी चुनाव नहीं हरा सकते, ये उनने जानकारी ले ली। बिल्कुल 100%, मैं कह रहा हूँ ना कि जितना डरा हुआ मैं उस दिन नहीं था जब मेरा गंदा वीडियो वायरल किया, जब मेरे को बिल्कुल मरने के लिए मजबूर कर दिया गया कि आत्महत्या ही करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तब मैं इतना डरा हुआ नहीं था। सच्चा की बात नहीं, बिल्कुल मैं IGDI साहब से सुरक्षा की मांग करूंगा, बाकायदा पत्र लिखूंगा, अभी आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचेगी कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए।